नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल चाइल्ड। दोस्तों, मेरा नाम धनराजा लावत है। आज मैं चर्चा करूँगा स्पेशल चाइल्ड। ये स्पेशल चाइल्ड क्या है? दोस्तों, कोई भी बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर या शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। इसमें दिमागी रूप से कमज़ोर भी, जिनको मंदबुद्धि बच्चे बोलते हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे भी, जो किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के कारण अपना शरीर का कोई अंग खो देते हैं या लाचार हो जाते हैं चलने फिरने में, उनको हैंडीकैप्ड दिव्यांग बच्चे बोलते हैं। सरकार ने इनको दिव्यांग का नाम दिया है। दिव्यांग मतलब, दिव्यांग का मतलब होता है दिव्य, दिव्य बच्चे, दिव्यांग, दिव्य बच्चे, स्पेशल चाइल्ड बच्चे, गॉड ऑफ चाइल्ड, भगवान के बच्चे। दोस्तों, इनको क्या सरकार ने इनको दिव्यांग नाम देने से इनकी पूर्ति हो जाती है? हम समाज का कोई फर्ज नहीं बनता। हमारा समाज में फर्ज बनता है कि इन बच्चों को प्रोत्साहन दे, इनको हीन भावना न देखते हुए इनको रोजगार दें। अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो उस हर एक बच्चे में दोस्तों अलग अलग क्वालिटी होती हैं, बस उसको पहचानने का नज़रिया चाहिए। ऐसा ही इन बच्चों के साथ है। ये बच्चे एक छोटी ही बीमारी या अन्य किसी अंग के ख़राब हो जाने से, या तो इनकी काबिलियत को नहीं कम किया जा सकता। इनमें बहुत सी ऐसी काबिलियतें हैं जो इनको औरों से अलग बनाती हैं। इनमें कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वह किसी भी प्रतियोगिता को चुटकियों में पास कर सकते हैं। हमारा यह फर्ज बनता है, हम सभी समाज के लोगों का, इन बच्चों को प्रोत्साहन दें, इन बच्चों में हीन भावना न आने पाए, इनको आगे लेके आए। इन बच्चों को जो भी मदद हो सके वो हम करें। अगर किसी बच्चे की को चलने फिरने में असमर्थ है और उसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है और आप कहीं से जा रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उस बच्चे को या स्पेशल या इनमें से या किसी आदमी को जो दिव्यांग है, इनको रोड क्रॉस करवाना है, तो उसको आपकी जिम्मेवारी है कि आप स्वयं उसको करवा रोड क्रॉस करवाएं, या आप कहीं कोई दिव्यांग बच्चा या दिव्यांग व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है तो आप सीट पर बैठे हुए हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उस विकलांग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को सीट दें। ये हमारी एक ज़रूरत है, हमारी जिम्मेवारी है इन बच्चों को आगे लाना। अगर हम इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ये पिछड़ जाएंगे। इनमें इनको हम अपने साथ में लेकर चलना है, ये हमारा एक फर्ज है। दोस्तों, दिव्यांग बच्चों के कुछ स्कूल भी होते हैं जिन्हें स्पेशल स्कूल्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर आपका बच्चा किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ने में असमर्थ है,
तो ये आपका फर्ज है कि आप बच्चे को स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाएं ताकि उसका विकास हो सके। हमें इन बच्चों का मजाक नहीं बनने देना है। अगर क्योंकि इन स्कूलों में स्पेशल टीचर होते हैं जो एक नॉर्मल स्कूल से कहीं बेहतर हैं, वो इनकी एक एक चीज़ को परखते हैं, चाहे वो दिमागी रूप से परेशानी हो। और वहाँ पे उन स्कूलों के अंदर अगर किसी बच्चे में बीमारी है कोई किसी प्रकार की गंभीर, तो उस समय समय पर डॉक्टरी सहायता भी इन बच्चों को तुरंत दे दी जाती है, जबकि नॉर्मल स्कूलों में ऐसा नहीं होता। और उन स्कूलों में इनको इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि इनको पढ़ने में भी आसानी रहती है और ये सीख भी जाते हैं। अगर कोई बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर है तो मेंटल रिटार्डेशन स्पेशल स्कूल होता है उसके लिए, उसमें एडमिशन करवाएं उन बच्चों का। अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग स्पेशल टीचर होते हैं, स्पेशल एजुकेटर के नाम से जाना जाता है जिन्हें। इनमें कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता, जो विजुअल हैंडीकैप्ड हैं, जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए भी अलग से टीचर होते हैं और उनको वही टीचर पढ़ा सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल स्कूल में वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा और वो बिल्कुल पिछड़ता चला जाएगा। तो हमारा फर्ज बनता है इन बच्चों को उन स्कूलों में एडमिशन दिलवाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं धनराज अहलावत सामाजिक बुराइयों पर और कुरीतियों पर ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।